अन्याय सह कर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस बात पर ही पांडवों से कौरवों कारण हुआ, जो भव्य भारत वर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं सती सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे हिंदी में छंद, जिसमें के दोहा छंद, सोटा छंद, रोला छंद और चौपाई छंद हो चुके थे, जिसमें सभी छंदों के पहचानने, उनकी पहचान क्या क्या है वो बताई जा चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एक नया छंद है, हरगीत का छंद, जो कि पहले की भांति ही मात्रिक छंद है, यानी कि दोहा छंद, सोटा छंद, रोला छंद और चौपाई छंद, ये चार छंद मात्रक हैं, ये भी छंद मात्रक है। ठीक दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम हरगीत का। ऐसा बोला जाता है कि हरगीत का में सात मात्राएं होती है। कितनी मात्रा है, वर्ण कितने हैं हरगीत का में? तो वर्ण कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच। क्योंकि वर्णों में मात्रा नहीं गिनी जाती, कौन बड़ी है कौन छोटी है, सिर्फ वर्ण गिने जाते हैं। तो वर्ण कितने हैं? तो वर्ण है हमारे पांच, एक, दो, तीन, चार, पांच। अब देखना है कि इसमें मात्राएं कितनी हैं, तो मात्राएं गिनते हैं एक, दो, तीन, चार, क्योंकि बड़ी की मात्रा है दो, दो लगेगी, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह और सात, क्योंकि बड़ा डंडा है तो उसे मात्रा हुई सात। अगर हम सात को चार बार लिख रहे हैं, हरगीत का, हरगीत का, हरगीत का, हरगीत का, तो मात्रा हो जाएंगी सात चौक अट्ठाईस, तो इसमें मात्रा है कितनी? अट्ठाईस मात्रा है। छंद कैसा है? यह सम्मात्रक छंद है, यानी कि इसके सभी चरणों में जो मात्राओं की संख्या है वो समान है, यानी कि सब में अट्ठाईस 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 मात्रा है। सोलह और बारह पर यति है, यति मतलब आपको बताया जा चुका है कि यति का मतलब होता है विराम, जो गाना का छंद गाते समय जो ठहराव होता है उसे हम यति बोलते हैं। तो यति कहां पर है? सोलह पे है या बारह पे होगा यति। अगला है पहचान इसकी कि अंत में लघु गुरु होंगे। हमने पढ़े होंगे दोहा में जो अंत में होगा वो कैसा होगा? पहले गुरु होगा फिर लघु होगा, लेकिन इसमें क्या है कि पहले लघु है उसके बाद में गुरु है। तो उदाहरण देखते हैं, पहचान क्या क्या है? 28 मात्रा है जो कि सभी चरणों में है, यह सम्मात्रिक छंद है, 16 और 12 पर यति है और लास्ट में लघु और गुरु है, ये चार इसकी पहचान है। किसकी? हरगीत का की। यह इसका एग्जाम्पल है, हम देखते हैं तो है, कहती हुई यो उत्तरा के नैन जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी मात्राएं। पहले देखिए इसके वर्ण कितने हैं, तो वर्ण गिनती करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस। तो वर्णों की संख्या कितनी है? उन्नीस है वर्ण इसमें, लेकिन क्योंकि ये वर्णिक छंद नहीं है इसलिए इसे वर्ण नहीं मात्रा गिनेंगे, क्योंकि मात्रक छंद है। अब मात्रा कैसे गिनेंगे? जिसमें अपर डंडा होगा छोटे आ का वो एक माना जाएगा, इसमें छोटी ई होगी वो एक माना जाएगा, जिसमें छोटा उ होगा एक माना जाएगा, जिसमें चंद्र बिंदु होगी एक माना जाएगा। ठीक है, उसके अलावा सब दो माने जाएंगे, एक पहचान दिए ही। दूसरा क्या है कि जो संयुक्त वर्ण होंगे, यानी कि जो आधा अक्षर और पूरा अक्षर मिले हुए होंगे, अगर उससे पहले कोई लघु लघु है तो वो गुरु हो जाता है, यानी दो मात्रा उसमें हो जाएंगी अगर किससे पहले आ जाए, संयुक्त वर्ण से पहले आ जाए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं, कहां पर कोई मात्रा नहीं है तो एक होगा,
ये एक है, दो है, एक है, दो है, गुरु है। अब यहां देखना है, देखो तापर उत्तरा, तो ता कैसा है, संयुक्त वर्ण है, यानी कि आधा ता और पूरा ता का एक युग्म है, और उस योग से पहले अगर लघु आ जाता है तो गुरु हो जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं, ये नियम है। तो इस योग से पहले उ है, लघु है, तो गुरु बन जाएगा, तो ये हो गया गुरु हो गया। तो आपका एक है, रा पर दो है, का पर दो है, ठीक है। अब यहां भी लग गया यति, यानी कि विराम चिन्ह, तो गिनती कर लेते हैं, एक दो तीन और चार, तो गुरु चार हो गए, पांच छह और सात, आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और सोलह, सोलह पर लग गया हमारा यति, और हम कह चुके हैं कि सोलह पर रहेगा यति, यानी कि विराम चिन्ह। उसके बाद बारह पे है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह, बारह पर अगला यति है। ऐसे ही है, यहां ये बारह होंगे और यहां ये सोलह होंगे, तो कुल मिलाकर जो मात्रा होंगी बारह और सोलह मिलाकर हो गई अट्ठाईस मात्रा, तो उसमें एक चरण में अट्ठाईस मात्रा होंगी, ठीक है दोस्तों। ये इसकी पहचान है। ऐसे ही ये है, जैसे या का और ना का दोनों युग्म है, यानी संयुक्त वर्ण है। अब संयुक्त वर्ण से पहले अगर लघु आ जाता है तो गुरु हो जाता है, तो संयुक्त वर्ण से पहले छोटा का है, लघु है, अब लघु नियम के हिसाब से गुरु बन जाएगा, दो मात्रा हो जाएगी। यहां पर ऑलरेडी दो मात्रा है, तो दो और दो चार, यहां पर कोई मात्रा नहीं है, यानी एक गिना जाएगा तो हो जाएंगे दो दो चार और एक पांच, इसमें कोई मात्रा नहीं है, तो पांच और चार नौ, पांच छह सात आठ नौ, नौ दो मात्रा है, नौ दस और एक ग्यारह, इसमें कोई मात्रा नहीं है, बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, यति है हमारा सोलह पर, एक दो तीन चार और एक पांच, पांच हो गए। अब देखो दोनों संयुक्त हैं, संयुक्त से पहले लघु है, संयुक्त से पहले अगर लघु होता है तो गुरु हो जाता है, तो ये होगा गुरु हो गया, तो पांच और दो सात, एक संयुक्त यहां है, संयुक्त से पहले ये भी लघु है तो ये भी गुरु हो जाएगा, तो नौ हो गए, दस ग्यारह और एक बारह। तो ये क्या है, अट्ठाईस इसमें मात्रा है, जो कि सोलह और बारह के यति लगाकर पूरे पूर्ण होते हैं अट्ठाईस मात्रा। लास्ट में क्या है, लास्ट में लघु और गुरु है, लास्ट में लघु और गुरु है, यानी कि लास्ट में क्या है, गुरु है, यानी कि छोटी एक मात्रा है, तो वो भी दोनों गिनी जाएगी, यानी कि वो गुरु है, उससे पहले क्या है, लघु है। ऐसे ही ये भी लघु और गुरु है, ये भी लघु और गुरु है, यहां भी लघु और गुरु है, यहां भी लघु और गुरु है, यहां भी लघु और गुरु है। तो क्या है, तीनों जो उदाहरण है उन तीनों में आप देखेंगे अट्ठाईस मात्रा मिलेगी, सोलह बारह पर यति मिलेगा और लास्ट में लघु गुरु का मेल होगा। तो यह है हरि गीत का छंद, ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ना है इसका, किसको इसकी लय कैसी है, यानी इसकी गति, यह क्या है यति, अब पढ़ेंगे इसकी गति कैसी है। तो गति इसकी यह है कि कहती हुई यो उत्तरा के नैन जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यह इसकी यति हरि गीत का की, इसे देखते हैं, अन्याय सह कर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायात अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, इस बात पर ही पांडवों का कौरवों से रण हुआ, जो भव्य भारत वर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। यह इसकी यति, देख लेते हैं ना, एक मात्रा दो मात्रा में दो है, दो चार हो गई, कोई मात्रा नहीं है, पांच हो गई, कोई मात्रा नहीं है, छह
छह हो गई, कोई मात्रा नहीं है, सात हो गई, मात्रा है तो सात और एक सात और दो नौ हो गई, नौ और दो ग्यारह हो गई, बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, और सोलह ही मात्रा है हमारी एक यति में। इधर देखते हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, लेकिन सोलह और बारह अट्ठाईस मात्रा। ये कहते हैं प्रभु बोध जिसकी वह यशोमति दे रही हनुमान है, गोपाल बैठे आधुनिक रथ पर सहित सम्मान है, मुरली अधर धर श्याम सुंदर जब लगाते तान है, सुनकर मधुर धुन भावना के बह रहे रस खान है। दोस्तों ये है हरगीत का छंद, तो आशा करता हूँ आपको पूरी तरह गति के साथ, यति के साथ, मात्राओं के साथ, लघु गुरु के साथ आपको हरगीत का छंद समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगले छंद के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।